नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैंजल स्टॉक्स में। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास एंजल वन या फिर जरोदा का डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके इजीली आप अकाउंट खोल सकते हो और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में और ट्रेडिंग की दुनिया में अपना कदम रख सकते हो। और जो भी करना है, पहले आपको पेपर ट्रेडिंग के साथ आपको समझना है मार्केट में, उसके बाद आपको हार्ड अर्न मनी को अपने डिमेट अकाउंट में डालना है। ऐसा नहीं कि पहले आपने पूरा हार्ड एंड मनी को डाल दिया ये समझ के कि इसको देखा कि ये 10,000 रुपए कमा रहा है, ये 1 लाख रुपए कमा रहा है, ये सब सोच के नहीं करना है दोस्तों। अगर आपको पैशनेटली मार्केट में रहना है कि हाँ मुझे मार्केट में बिजनेस करना है, देन यू हैव टू डू हार्ड वर्क। आपको समझना है, आपको पूरे अच्छी तरीके से मार्केट को समझ के ही आपको पैर रखना है मार्केट में, ठीक है? तो चलते सीधा स्क्रीन पे जाते हैं। देखिए, मैं आज कुछ शॉर्ट टर्म स्टॉक्स, 4 शॉर्ट टर्म स्टॉक्स लेके आया हूँ, ठीक है? तो इन 4 शॉर्ट टर्म स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पर टारगेट एंट्री प्राइस मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं जस्ट आपको एक पैटर्न के बारे में कह रहा हूँ कि उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि टारगेट स्टॉप लॉस में क्या होता है कि मैं आपको टारगेट बता दूंगा, स्टॉप लॉस बता दूंगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप लोग भी बोलोगे आपने क्या देखा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट आपको एडुकेशन पर्पज के लिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसा इस पैटर्न में ऐसा होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, तो हम ऐसे इसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए अभी मैं और टारगेट स्टॉप लॉस पहले जैसा कुछ नहीं देता हूँ, अब धीरे बहुत देता हूँ। क्योंकि आप लोगों का देखा हूँ दोस्तों, जब मैं कोई एडुकेशन रिलेटेड वीडियो डालता हूँ तो वहां पे ज्यादा लोग देखते नहीं है। जब कोई टिप्स का कोई वीडियो डालता हूँ तब वहां पे आदमी बहुत देख लेते हैं, तो इसी से पता चलता है पीपल बिलीव इन टिप्स नॉट इन एडुकेशन। मैंने कल और परसों दो वीडियो डाले थे पैटर्न को लाइफ, मतलब लाइफ चार्ट में समझना और कितने सारे पैटर्न होते हैं, कॉमन पैटर्न्स होते हैं, लेकिन वहां पे ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं डालूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीआरएल लॉजिस्टिक्स आप स्टॉक तो जानते होंगे, ठीक है? कंपनी का नाम तो जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम डेली चार्ट पर अगर देखें तो एक डब्लू पैटर्न टाइप का यहाँ पे बना है, और डब्लू पैटर्न टाइप में बना है मतलब सीधा यहाँ से एक तो बनता है कि ऊपर की तरफ जाने की, यहाँ से ब्रेकअप ब्रेकआउट देने का तो एक बनता है। लेकिन व्हाट यू हैव टू सी कि जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट देगा, सिंपली जब ब्रेकआउट देता है तो हमें वहां पे एंट्री नहीं लेना होता है। वहां पे क्या होना है, क्या करना होता है, जस्ट एक थ्रोबैक होना चाहिए। जस्ट एक थ्रोबैक होके जब वो अपसाइड ब्रेक देगा तब हम वहां पे एंट्री लेंगे। तो इसका अपसाइड ब्रेक यहाँ पे हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक एंट्री बनाएंगे थ्रोबैक के बाद, और यहाँ पे हम अपना पोजीशन बनाएंगे और एक माइनर स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको आपको आई कार्ड बटन में मिल जाएगा, कि आई कार्ड बटन और एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा वो दो वीडियो कि कौन से वीडियोस थे और मैंने क्या क्या उसमें बताए थे, ठीक है? नेक्स्ट है सैटिन क्रेडिट केयर। यू हैव हर्ड अबाउट दिस स्टॉक आई थिंक। सो सैटिन क्रेडिट केयर में भी अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, एक अच्छा सा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स और फिर एक चैनल यहाँ पे बन रहा है। तो चैनल बनने के बाद यहाँ पे एक शानदार देखिए अपसाइड मोमेंटम इसमें बहुत अच्छा है, और ये देखिए इसने ब्रेक तो दिया, ब्रेक देने के बाद एक थ्रोबैक भी लिया है, यहाँ पे एक थ्रोबैक भी लिया है। थ्रोबैक मीन्स टेकिंग सपोर्ट ओवर प्रीवियस रेजिस्टेंस, जो पहले का रेजिस्टेंस था उस पे इसने सपोर्ट लिया, इसे थ्रोबैक कहते हैं ब्रेकअप ब्रेकआउट के बाद, ठीक है? तो लिया है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये यहाँ से ब्रेक दे, एक यहाँ से इसको ब्रेक दे, ब्रेक देने का फिर से थ्रोबैक मीन्स एक सपोर्ट ले और फिर अपसाइड मोमेंटम ये दे। तो आप अपने डिसीजन के साथ, आप लोगों को अगर सही लग रहा है तो आप इसमें अपना हिस्सा बना सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ताज जीवीके होटल्स में। ओके, खोलने दीजिए ताज जीवीके होटल्स। इसमें भी एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अपना एक प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं। क्या हो गया इसमें, सॉरी नेटवर्क डिस्टर्ब है। हाँ, ये खुल गया। तो ताज जीवी के होटल्स में भी देखिए, ये भी एक चैनल को रेस्पेक्ट करते हुए जा रहा था, ठीक है? अपने जा रहा था तो जाते जाते इसने यहाँ पे एक ब्रेक दिया,
और ब्रेक देने का, अगर वो आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि देखिए ब्रेक देने के बाद इसने यहाँ पे थ्रो बैक लिया, अगर ये यहाँ से फिर फॉल होता है तो ये ट्रैप बन जाता बायर्स के लिए। तो यहाँ पे इसने थ्रो बैक लिया और फिर थ्रो बैक लेने के बाद एक सपोर्ट लेके फिर अपसाइड मोमेंटम में। कल को अगर ये फिर से यहाँ से फिर एक अपसाइड ब्रेक देके एक थ्रो बैक लेके अपसाइड मोमेंटम दिया तो एक शानदार इसमें रैली आ सकती है। तो आप लोग इसमें भी अपना हिस्सा बना सकते हैं, पहले आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद है देखिए सरला परफॉर्मेंस। सरला परफॉर्मेंस में भी सेम चीज है, देखिए एक अच्छा चैनल बन के चल रहा था, चैनल बनने के बाद एक ब्रेकडाउन दिया। देखिए ब्रेकडाउन देने के बाद सीधा यहाँ पे एंट्री नहीं लेना होता है, यहाँ पे क्या करना होता है एक पुल बैक का, जब पुल बैक का एक इंतजार करना होता है, फर्स्ट पुल बैक का इंतजार करना होता है। तो एक फर्स्ट पुल बैक अच्छा सा आया, सेम यहाँ से फिर डाउन, ठीक है। तो डाउन तो हुआ, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे देखिए एक एसेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे रेजिंग वेज भी आप कह सकते हो या फिर अपसाइड चैनल भी बोल सकते हो, यहाँ पे एक एसेंडिंग ट्रायंगल का भी अब एक पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये अपसाइड ब्रेक दे और अपसाइड ब्रेक देने के बाद हमें ये या फिर ये यहाँ से पैटर्न को कंप्लीट करेगा, नैरो होगा और नैरो होने के बाद यहाँ से एक अपसाइड ब्रेक दे, तो अपसाइड ब्रेक देगा तो एक अच्छा सा यहाँ पे हम लोगों के पास चांस रहता है एक गेन देखने का, ठीक है। तो ये चार स्टॉक्स को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, सेटिन क्रेडिट केयर, ताज जीवीके एंड सरला परफॉर्मेंस। एंड वन मोर स्टॉक इज देयर, आई ऑलवेज सजेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस स्टॉक, दिस वन इज हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज आप लोग इसको एक अच्छा सा हमेशा वॉच में रख सकते हो कि जबरदस्त कंपनी है, कोई बिजनेस अभी तक इसमें हुआ नहीं ना कुछ है, जस्ट एक ये हवा में चल रहा है। बट इसमें मोमेंटम क्या है पता है, आप एक शॉर्ट टर्म में अच्छा इसमें गेन कर सकते हो कि ये हमेशा 140 रुपए, 100 रुपए से 140 150 रुपए के बीच में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप एक जबरदस्त गेन इसमें कमा सकते हो, 20 25 30 रुपए का, 40 रुपए का, अगर आपको छोटा छोटा गेन लेने का है तो आप इसको ले सकते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसमें दो चार शेयर करके आप एक्युमुलेट कर सकते हो। दिस वन इज रिस्की स्टॉक, वेरी रिस्की स्टॉक, नो फंडामेंटल्स, बट फंडामेंटल्स होगा भी कैसे इसमें, इसमें बिजनेस हो ही नहीं रहा तो फंडामेंटल्स होगा कैसे, लेकिन आप इसको रख सकते हो अपने पास, ओके। एंड वन मोर स्टॉक इज देयर, दीज आर ऑल बोनस, ओके, दिशा इंडिया लिमिटेड, इसमें भी आप एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा सा इसमें कर सकते हो, ठीक है, अच्छा सा गेन कर सकते हो। देखिए ये स्टॉक अभी हाल ही में इसमें एक अच्छा सा गिरावट आया था, देखिए ये 7000 के क्रॉस कर गया था, 8000 लगभग, फिर यहाँ पे एक जबरदस्त फॉल आया, 3000 आपको 5000 के आसपास मिल रहा, फिर जाके ये देखिए एक अच्छा सा इसमें रैली आ रही है, ठीक है, रैली आ रही है, मतलब देखिए आपको 1000 पॉइंट का तो इसमें अच्छा सा, कभी भी आपको ये स्टॉक 1000 पॉइंट की रैली आपको दिखा देता है, कभी भी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, रिस्की स्टॉक बट आपको 1000 पॉइंट का रैली इसमें कभी भी दिखता है, 7-8 दिन में, 10 दिन में 1000 पॉइंट की रैली इसमें मिल जाती है, ठीक है। ये कुछ स्टॉक्स के नाम आपको बता दिया, दो स्टॉक्स रिस्की है और चार स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है। तो आप अपने जुडिशियसली एक्ट कीजिएगा और अच्छे से ट्रेड लीजिएगा, ओके, अगर आपको समझ में आया तो, एंड प्रैक्टिस व्हाट आई टॉट इन द वीडियो, थैंक यू।